हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे। आप लोगों का स्वागत है हमारे ग्लिटर एंड ग्लैमर चैनल पे। आज मेरी दोस्त आपके साथ जुड़ी हैं जिनका नाम है दीपाली। दीपाली, आज हम एक नई मूवी को लेकर के चर्चा करेंगे, ट्रिपल आर। आपका क्या कहना है इस मूवी के रिव्यूज़ को लेकर के? ट्रिपल आर जो मूवी है वो मैंने सुना है कि राजामौली जो उसका डायरेक्टर है, प्लस स्टारकास्ट जो है अजय देवगन, आलिया भट्ट और रामचरण तेजा। अब आलिया भट्ट की जो लेटेस्ट मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उनके साथ अजय देवगन भी उसमें थे। पब्लिक को मूवी बहुत पसंद आई है और गंगूबाई जो कहानी है ना, एक डिफरेंट हट के रियल लाइफ स्टोरी कहानी है। तो इट्स अ डॉक्यूमेंट्री और आप उसको बायोपिक भी कह सकते हो। तो अजय देवगन को हमने देखा है, वो हमेशा थोड़ी एक्शन, रोमांटिक, अच्छी अच्छी मूवीज़ करते रहते हैं। तो रामचरण तेजा जो है, जो हमें पता ही है, उनकी फर्स्ट फिल्म थी मगधीरा। उसके बाद मैंने उनको यवड़ू में भी देखा था और डबल अटैक में भी देखा था। मैंने उनके बहुत सारे उनको फॉलो में करती हूँ। आलिया का तो हमें हमेशा अलग अलग अवतार देखने को मिलते ही हैं। अब मुझे ये देखना है जो ट्रिपल आर जो मूवी है, ऑफकोर्स हमारे जो राजामौली डायरेक्टर है, जो उनकी लास्ट फिल्म मतलब आई थी बाहुबली, बाहुबली भी एक थोड़ा मिथोलॉजी फिल्म थी, और अभी जो आलिया भट्ट की आई थी वो बायोपिक है। तो भी मुझे ये देखना है कि जो ट्रिपल आर है, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि उसमें जगह क्या ट्विस्ट होगा इस मूवी में, हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि कैसा ट्विस्ट एंड कंडीशंस है। और राजामौली सर ने हमेशा एक अलग ही चीज़ लोगों के सामने पेश की है, जो कि हर बार वो करते ही आ रहे हैं। अजय देवगन तो एक्शन के लिए फेमस ही हैं, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं। इस बार वो उनके साथ कैसे मैनेज करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स मुझे तो देखना ही है, और पब्लिक तो आलिया भट्ट को इतना पसंद करती है। लास्ट जो उनकी फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसका तो हम अब तक प्रमोशन देख ही रहे हैं कितना हिट जा रहा है। गाने जो उनके हैं वो बहुत हिट जा रहे हैं, और अजय देवगन तो है ही हमारे एक्शन स्टार। रामचरण का तो मुझे देखना है कि रामचरण इस ना ट्रिपल आर जो मूवी है ना, वो फ्रीडम फाइटर की थोड़ा ऊपर है। ये ब्रिटिश काल के जमाने से रिलेटेड थोड़ा उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं ये हम दोनों यही देखना चाहेंगे कि इस बार जो पब्लिक रिव्यू होगा, हम पब्लिक रिव्यू भी ज़रूर करेंगे इस मूवी का। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम प्लान करेंगे कि हम आप लोगों को पब्लिक रिव्यू ज़रूर दिखा पाएँ, और ये मूवी का कैसा एक्शन रिएक्शंस क्या क्या होता है वो सब आप लोगों पर निर्भर करता है। आपको इसमें कुछ कहना है? मुझे सिर्फ ये देखना है कि मूवी कैसे बनती है इन तीनों के साथ, क्योंकि तीनों अलग अलग थोड़ा अलग अलग कैरेक्टर्स, उनकी केमिस्ट्री, तो इस सेट पे तो मस्ती मजाक एंड बाकी चीज़ें होती है। अब इनका मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रिपल आर देखने के लिए। पब्लिक से तो हम ओपिनियन लेंगे ही, बाकी आप बोलो। भैया, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं ये मूवी देखने के लिए, और अब आप लोगों की बारी है। जब आप लोग देख लेंगे तो आप हमें रिव्यू भी करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।